का सिर्फ सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं, जो कि टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। चाहे आप एसआई मेंस की तैयारी करें, चाहे हॉस्टल वाला ने करें, चाहे एडीओ की करें, वहाँ से आपके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लोग एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए खास 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ टेस्ट के तौर पर, ठीक है। साथ ही आने वाला एग्ज़ाम हॉस्टल वार्डन या फिर एडीओ है ना, हॉस्टल वार्डन या फिर एडीओ, अगर दोनों ही सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों ही विषय का, तो बिल्कुल बने रहिएगा। चलिए लास्ट तक देखना, ठीक है। पहला है आपका, छत्तीसगढ़ में हरेली नामक पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा जो हरेली मनाया जाता है किसके, किसान के द्वारा मनाया जाता है ना। ये आपके व्यापम और पीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण होता है, आप सभी को मालूम है इसका आंसर क्या होगा, रहस। क्या होगा? रहस। फिर से बताइएगा कमेंट करके कि रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण रहस। जिनको मालूम है फटाक से कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्या आएगा रहस आपका आंसर, डी। तीसरा है, बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? ये आप सभी को मालूम होगा, बस्तर का जो मड़ई मेला है किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। दिवाली, वेरी गुड। जितने लोगों का आंसर ए आया है, बिल्कुल सही है। छेरछेरा किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। छेरछेरा आपके व्यापम और पीएससी में हर एक एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल वार्डन या एडीओ, तो हमारे चैनल पर 18 मार्च से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। रात 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में जो क्लॉट्स होती है उसी में। चलिए कमेंट करना स्टार्ट करें जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं चैनल पर। छेरछेरा किससे संबंधित है, कल के हमने क्लासेस में देखा था छत्तीसगढ़ का क्लास का पहला भाग, ये आपका सेकंड भाग है, कौन सा, दिवाली, होली, नई फसल या पोला, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। क्या आएगा, छेरछेरा किससे संबंधित है, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए फिर भी मैं आपको 30 सेकंड का समय दे देता हूँ, इसका आंसर होगा बिल्कुल सही है। जितने लोगों का आंसर सी आया है, नई फसल, दिवाली क्यों मनाया जाता है कमेंट करके बताइएगा। किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है, सभी को मालूम होगा किस पर्व में, कौन सा त्यौहार है जो मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है, आंसर बिल्कुल सही दिया है बी। जितने लोगों का आंसर बी आया है, पोला, वेरी गुड। राउत नाचा किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है, राउत नाचा, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। देखिए जो राउत नाचा है आपका, कौन से त्यौहार के आसपास मनाया जाता है, सीजीपीएससी 2019 में पूछा है, हाँ बिल्कुल सही है। जितने लोगों का आंसर दीपावली आया है, वेरी गुड, मतलब तैयारी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ का लेजा गीत किसे कहते हैं, देखिए बहुत ही सरल आंसर है इसका, लेजा गीत का मतलब होता है बहुल क्षेत्रों का लोकगीत, तो ऑप्शन ए होगा, बस्तर में जो आदिवासी रहते हैं तो बहुल क्षेत्रों का जो लोकगीत होता है वही है। ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोगों का आंसर पहले से ही आ गया, छत्तीसगढ़ में जो दशहरा विख्यात है, बिल्कुल सही है, बस्तर। जितने लोगों का आंसर डी आए, वेरी गुड, मतलब तैयारी अच्छी चल रही है, मतलब सिलेक्शन लेने का चांस बनता है, ठीक है। डेली क्लास करा जा रहा है बच्चों, डेली हॉस्टल वाडाना की क्लास 18 मार्च से, एडीओ की क्लास 1 मार्च से, साथ ही दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करना, चाहे आप पीएससी या व्यापम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसका क्या आएगा आंसर बताइए, छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है, श्रावण माह, पौष माह, माघ मास या पौष माह, बिल्कुल आंसर सही है डी, पौष में। हरेली, चलिए बताइए, एक मिनट ना,
हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है? जो हरेली है, गेड़ी कहते हैं ना, हरेली गेड़ी पर्व मनाया जाता है। गेड़ी आंसर होगा बी, श्रावण अमावस्या। बिल्कुल सही। गेंडी का महत्व किस त्यौहार पर होता है? ये देखिए, ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछता है व्यापम का। गेंडी का महत्व किस त्यौहार पर अवसर पर होता है? दिवाली, हरेली, होली या पोला। फटाक से कमेंट करना स्टार्ट करें बच्चों। बिल्कुल सही है आंसर बी। जितने लोगों का आंसर बी आया है, वेरी गुड। हरिताली का तीज क्यों मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा, ये जो हरिताली का है तीज त्यौहार किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? बिल्कुल सही आंसर आ चुका है बी, स्त्री के लिए। मतलब देखिए, यहाँ पर कोई किसी का ऐसा बात नहीं है कि गलत आएगा आंसर, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है सही है। देखिए इसका आंसर भी पहले से आ गया, जादू टोना तंत्र मंत्र आदि के लिए कौन सा त्यौहार? देखिए बिल्कुल सही है आंसर डी, होली। कितने लोगों का आया है? 95 95% लोगों का। मैं सहमत हूँ, अच्छे तैयारी चल रही है। मतलब कुश्ती का जो खेल है किस विशेष त्यौहार का अवसर खेलने का परंपरा है? जो कुश्ती होता है, रथ यात्रा, गेंडी पर्व, नाग पंचमी या हटछठ। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है नाग पंचमी। बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा कितने दिनों तक चलता है? वेरी गुड। देखिए जो बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा होता है, 30 सेकंड का फिर समय दिया जाता है। कमेंट करना स्टार्ट करें बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं। जो बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा है कितने दिनों तक चलता है? वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो रहा है। 75, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 75 बिल्कुल सही है। दिवाली के पश्चात यानी कि बस्तर में मनाया जाने वाला त्यौहार पृथ्वी की पूजा की जाती है, पृथ्वी। बिल्कुल सही है, माटी त्यौहार। मतलब तराई अच्छा है, तैयारी आप लोगों का अच्छा है। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित किया? ये भी आपके CGPSC 5 में पूछा है, डंडारी नृत्य। अरे बिल्कुल सही है, जो डंडारी नृत्य है आपका। कितने लोगों का है? 96%, वेरी गुड। कौन सा पर्व पुरुष पुन्नी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही है छेरछेरा। वेदमती और कपाली किस लोक नाट्य शाखा है? ये जो वेदमती है ना आपका, वेदमती कपाली किस लोक नाट्य की शाखा है? पंडवानी, बिल्कुल सही है। श्रृंगी ऋषि का मेला लगता है, क्यों लगता है? कहाँ लगता है? रायपुर में, राजनांदगांव में, धमतरी या बस्तर। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें बच्चों। इसका आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर आया है, धमतरी। जो आपका श्रृंगी ऋषि का मेला लगता है धमतरी, ठीक है। ये आपका राजिम के आसपास कुरुद। राज्य की पहली फिल्म कही देवे संदेश के निर्माता कौन है? देखिए इतना सरल आंसर नहीं पूछता, फिर भी आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कही देवे संदेश के निर्माता कौन है? फटाक से कमेंट करना स्टार्ट करें बच्चों। जय पांडे, मनु नायक, हेमंत नायडू या इनमें से कोई नहीं? देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं हूँ, इसका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बिल्कुल 90 लोगों ने आंसर देने में सहमत हैं, मतलब तैयारी चल रही है अच्छे बच्चों का। कई लोग आंसर नहीं दे पाते सर ये क्या होगा कैसे होगा। अरे आप ऑब्जेक्टिव लगाइए ना भाई, टिक लगाइए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्या आएगा? बिल्कुल सही है बी, मनु नायक। कौन है? मनु नायक, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। रायपुर दूरदर्शन की पहली टेली फिल्म थी, पहली टेली फिल्म कौन थी जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही है पर बुधिया, बिल्कुल सही आंसर है। कितने लोगों ने अभी कैसे कम हो गए? 76% आ रहा है। जल्दी से करो जल्दी, बी लगाओ बी, जल्दी स्टिक लगाओ बी। रायपुर दूरदर्शन की पहली टेली फिल्म है बी, पर बुधिया। जल्दी से कमेंट करो तब भी मैं आगे बढ़ूंगा। आंसर लगाओ जल्दी बी, पर बुधिया लिखो कमेंट में, पर बुधिया लिखो जल्दी, तब मैं आगे बढ़ूंगा ना। चलो बी लिखो कमेंट में और वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो, है ना। चलो इसका क्या आएगा? माओपाटा मुड़िया जनजाति यानी कि बस्तर की है, कौन सा? पौराणिक नाटिका, विवाह नाटिका या शिकार या व्यंग नाटिका। बिल्कुल सही है शिकार, आंसर सी, वेरी गुड।
छत्तीसगढ़ आदिवासी के नृत्य जो भरत यानी कि भारत में महोत्सव रूप से प्रदर्शित हो चुका है। बिल्कुल सही है, देखिए इसका आंसर भी होगा बी मांझी। वेरी गुड। सूरजबाई खांडे के अलावा प्रसिद्ध भरतरी गायिका कौन है? ये बिल्कुल सही है, देखिए जो सूरजबाई खांडे हैं इसके बाद आपका दूसरा नंबर में आता है रेखा जल छत्री, ठीक है, सेकंड नंबर में। तो आपका आसन दिया गया डी में। मुड़िया आदिवासी द्वारा अपने देवता लिंगा देव को प्रसन्न करने हेतु कौन सा नृत्य किया जाता है? लिंगा देव, देखिए जो मुड़िया आदिवासी होते हैं अपना देवता जो लिंगा देव को प्रसन्न, देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ लगाया नहीं हूँ कि आंसर यहाँ आना स्टार्ट हो चुका है, ककसार। बिल्कुल सही है, देखिए कमेंट करने स्टार्ट करें, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा, मैं समझ गया। आप लोग कमेंट में आंसर डी लिखे तब भी मैं आगे क्वेश्चन बढ़ूंगा। हाँ बिल्कुल बच्चे, गुड। सुवगीत कब गाया जाता है? सुवगीत, देखिए इसका आंसर दीजिएगा फटाक से, सुवगीत कब गाया जाता है? दिवाली, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन। अरे बेकू, सुवगीत बोला हूँ मैं, सुवा स्वगीत पता है ना, आता है ना हरी नाना वाला गाना चलता है वो दिवाली के समय। बिल्कुल सही आंसर है, जितने लोगों का आया है आंसर है सुबह गीत, बिल्कुल सही है दिवाली के अवसर पर। अब इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा? सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव यानी 1984 में छत्तीसगढ़ की किस पंडवानी गायिका को सम्मानित किया गया था? बिल्कुल सही आंसर आया है तीजन भाई, आंसर भी बिल्कुल सही है। मतलब तैयारी देखिए 90% लोगों की चल रही है एसआई की, साथ ही देखिए यहाँ पर हॉस्टल वार्डन और एडीओ का बिल्कुल क्लास चालू हो चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? देखिए चक्रधर समारोह क्यों आयोजित किया जाता है? बिल्कुल सही, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, रायपुर, कौन सा आएगा आंसर जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर भी होगा रायगढ़, रायगढ़ में चक्रधर समारोह दिया जाता है। बिल्कुल सही, वेरी गुड, जितने लोगों का आंसर आया है वेरी गुड। चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है? गेंडी, पंथी या कर्मा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ए बी या सी। पंथी गीत नहीं है पूछा गया ना, बिल्कुल सही। जितने लोगों को कमेंट करना स्टार्ट कीजिए, आप सभी के लिए क्वेश्चन दिया हूँ मैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है होमवर्क है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है, गेंडी, पंथी या कर्मा नृत्य, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही आप एग्ज़ाम की कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। चाहे आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो एच लिख दीजिएगा, एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो ए लिख दीजिएगा, है ना। अगर आप दोनों ही तैयारी करना चाहते हैं तो एच ए लिख सकते हैं, एच ए, ठीक है। अगर आप लोग दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए एक और वैकेंसी आने की संभावनाएँ हैं, सहकारिता विभाग, सहकारिता विभाग में 3000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है, 3000 से अधिक पदों पर सहकारिता विभाग में, है ना। अगर आपने किसी वीडियो पर देखा होगा या नोटिफिकेशन देखा होगा तो बहुत जल्द हो सकती है ना। अगर आप कोई वैकेंसी की तैयारी करना चाहे पीएससी की तैयारी करो या व्यापम की, आप कमेंट में बताइएगा। अगर दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो पी भी लिखिएगा, अगर पीएससी की तैयारी करना चाहते पी व्यापम की तो वी लिखिएगा, और अपना नाम जरूर लिखिएगा वहाँ पर नीचे में, अपना नाम जरूर लिखिएगा कि आप कौन से वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। और मैं वही बता रहा हूँ, 18 मार्च से प्रारंभ हुआ है न्यू बैच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, साथ ही मैं यह कहूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, ठीक है ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि पीएससी या फिर व्यापम, ठीक है। ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हाँ टाइम के बारे में पूछ रहे तो टाइम मैं आपको बता देता हूँ, टाइम है आपका 7:30 से 8:30 और 9, ठीक है ओके।